चलो चिल्लर पार्टी की आपस में बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई है, ये दो चिल्लर पार्टी में लड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे देखो ये मैं आ गया था यहाँ सिंगई ना निहारिका के घर, मैंने कहा रास्ते में ब्लॉग क्या बनाते हैं, तो अभी सुबह मॉर्निंग में पहुँचा था, अभी पूरी चिल्लर पार्टी को लेके जा रहा हूँ घूमने घुमाने के। चिल्लर पार्टी पूरी तैयार हो रखी है, बोल तो सारे सब सारे के सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इनको घुमाए ना, बोला कि हमको घुमाए ले चलो, तो इनको घुमाए। निहारिका का थोड़ा काम है तो वो नहीं आ रही है, तो नीतू बैठी हुई है पीछे, नाम बताओ भैया जल्दी जल्दी अपने चिल्लर पार्टी। मानस और आयुषी, आयुषी और आरती दीदी और नीतू दीदी और ये है हमारे जीजा जी और एक हर्षित भी तो होगा। हर्षित का पीछे वाला पूरा पैक है, तो सारे लोग बिठा दिए हैं। फिलहाल यहाँ पे एक गुरुद्वारा है तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग शाम को ऐसे घूमने के लिए। तो ये है कुछ यहाँ का सिंगई का गांव, पूरा सिंगई का गांव आप देख रहे हो ना कितना मतलब खूबसूरत गांव है ये। तो ये रोड जाएगी, अभी हम लोग जाने वाले हैं इधर से तिकोनिया, पहले तिकोनिया जाएंगे उसके बाद जाएंगे उस गुरुद्वारे में, शायद वहाँ पर कोई नदी वदी भी है और नदी वदी होगी तो वो भी देखने को मिल जाएगी। जोर से बोलो, बताओ कुछ बताओ, अभी तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे घुमाने के लिए? आज हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा है, नाम तो बताओ। उस गुरुद्वारे का नाम नहीं पता। तुम्हें कैसे ले आ रहे हो, तुम जय जी को घुमाने ले आ रहे हो अपने एरिया में और बोलते हो कि गुरुद्वारे का नाम नहीं पता। बताओ 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 जल्दी ले, तो कौडियाला घाट गुरुद्वारा जी। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, ऐसे ये एक पुल पड़ता है यहाँ पे, इस पुल के नीचे एक नदी छोटी सी सूखी सी सूख गई नदी थोड़ी आ रही। तो अभी यहाँ पर है एक एरिया मोतीपुर, तो यहाँ पर गाय आए बहुत है रोड पर, तो ये पहले मोतीपुर आएगा, मोतीपुर से हम लोग को यहाँ पर एक लास्ट रेलवे स्टेशन है बिलराया है, बिलराया यहाँ पर रेलवे स्टेशन है बिलराया। और ये हैं सारे सामने फील्ड बहुत सारे, ये नहीं चिल्लर पार्टी बड़ी खामोश है, हैं क्यों कुछ नहीं आप अभी तो ब्लॉगिंग तो तुम करने वाले आए थे आज, हैं कैसे ब्लॉगिंग हम लोग करेंगे जी, तो लेकिन क्या करें। हाँ तो फिर बताओ ये बात बोलता है घर में, अभी नहीं बोल रहा। क्यों, ये तो क्या, ये जो बंदा है ना मानस, ये सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए आया था लखनऊ, अभी मुंह बंद, अभी इसका मुंह बंद है, ये मुझसे मिलने के लिए लखनऊ आया था, सिर्फ ब्लॉग बनाऊंगा और ब्लॉग में आऊंगा। मानस क्या हो गया तुमको, क्या हुआ कुछ बोलो, आ जाओ सामने अपनी शक्ल दिखा दो। तो मानस आया था लखनऊ मुझसे मिलने के लिए ताकि अलग यहाँ आके ब्लॉगिंग कर, हम लोग गलत आ गए हैं क्या, हम आगे आगे लग रहा नहीं थी। सही है, यही तो है मोतीपुर से, नहीं मोतीपुर से पहले से रास्ता जाता शायद। तो ये देख रहा ना आपको यहाँ पे ये अवध बिहारी लाल स्मृति दार, यहाँ से हम लोग ने तिकोनिया के लिए राइट में गाड़ी घूमेंगे और सामने चलेगी आगे मोतीपुर और बिलेरिया को रोड, ये कौडियाला घाट यहाँ से है करीब 10 किलोमीटर। और अभी जो आप देख वो देख रहे थे ना कि एक कांड हुआ था लखीमपुरी कांड, लखीमपुर कांड मतलब इसमें एक थार चढ़ गई थी मतलब बहुत सारे किसान के ऊपर, तो वो ये यहीं कहीं पे हुआ था। तो अगर दिखते वो स्पॉट दिखाई देगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी यहाँ की रोड थोड़ी ख़राब है, ऐसी मतलब कुछ कंडीशन है रोड की, तो मैं
गड्ढे गड्ढे कुछ ज्यादा है। तो ये अभी यहाँ पर गेहूं की जो फसल थी वो सारी कट चुकी है। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me.And follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling. तो आप ये जो एरिया देखे हैं ना, वो जो ये कांड हुआ था लखीमपुर वाला, जिसमें एक मतलब थार ने मतलब कुछ किसानों को और कुछ मतलब वैसे लोकल लोग भी मरे हैं। इतना दोनों साइड के चाचा लोग मर गए जिसमें, तो वो यहीं पर ही हुई थी बिल्कुल पीछे मेरे, जहाँ पे श्री श्री 1008 महाराजा अग्रसेन स्मृति द्वार लिखा हुआ ना सामने, तो वो पूरा हाँ ये भी हाँ तो एरोप्लेन अच्छा, तो यहीं पर वो आंदोलन था और यहीं पर रोका गया था पीछे, तो और वहाँ पे एक थार ने मतलब लोगों के ऊपर चढ़ के कुछ लोगों की जान ले ली, जो कहा काफ़ी गलत हुआ, जो भी हुआ उसके दोस्तों को तो खैर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मतलब ऐसी घटनाएं देखिए कि मतलब लोग खड़े हैं और कोई कितना निर्देश होता है कि ऐसे गाड़ी किसी के ऊपर चला के ले जाए उसमें तो अचानक से, तो ये यहाँ पर वो घटना हुई थी। तो अभी हम पहुँचे हैं इस जगह का नाम है लखीमपुर खीरी है कोतवाली तिकुनिया, तो तिकुनिया जो होता है लखीमपुर कांडना, तो वो सब कुछ यहीं हुआ था। तो हम लोग जा रहे थे गुरुद्वारे में, उसका नाम है कौड़ियाला घाट गुरुद्वारा, मतलब काफ़ी फेमस है और काफ़ी फेमस है पूरे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का मतलब वो गुरुद्वारा, तो हम वही घूमने जा रहे थे। मैं एक बार बहुत पहले गया था, वीडियो में मैं डाल रखा था, लेकिन आज मेन मकसद है चिल्लर पार्टी को क्या पिकनिक कराने का, चिल्लर पार्टी से कमिटमेंट कर रखी थी मैंने एक्चुअली, मतलब मेरे को तो आई थी नींद, मैं थोड़ा सोऊंगा, लेकिन चिल्लर पार्टी से करेगी जो कमिटमेंट तो पूरी करनी थी। क्यों सर धोके बैठा हुआ मानस पहले से ही है जी, फेस तो दिखा दो बताओ कुछ बोलो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक चैनल को थोड़ी लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन ये बकरी आदि लीडर ना सही कसम से चार पाँच जॉब है ना फोन मारो चाहे ना रहो कहीं से हटी नहीं है बिल्कुल भी, और गलती से किसी को लग गई अगर तो सोचो आप क्या होगा, दो लड़ रहे हैं वहाँ पे यूँ इनके खेल चल रही है चिल्लर पार्टी की आपस में बहुत खतरनाक लड़ाई होगी है, ये दो चिल्लर पार्टी के लड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे देखो ये सबके साथ लड़ रहे हैं, अरे क्यों लड़ रहे हो बता, अरे हमारा नहीं बनाना है, हमारा नहीं बनाना, हमारा नहीं बनाना, क्या नहीं बनाना वीडियो क्यों बनाते हो, हाँ बना रहे हैं, तो वो सामने आप गुरुद्वारा देखे है ना, तो वही है गुरुद्वारा जहाँ आए आने वाले, बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके चारों ओर ना, जो बहुत अच्छे देखो गन्ने के खेत इधर गेहूँ कट गए पूरा गन्ने के खेत, तो अब मैं वापस तो बहुत खूबसूरत है। इसके बाहर ना सीधे नेपाल बॉर्डर आता है, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है पीछे, मतलब रेलवे का ट्रैक है, रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक, इसके बाद सीधे नेपाल आप यहाँ से जा सकते हैं आराम से, नेपाल बॉर्डर ना पूरा क्या पूरा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से लगा ही हुआ है, लखीमपुर से भी और इसमें अभी कुछ दिन बाद ये वाला हाईवे जब पूरा बन जाएगा ना, तो धनगढ़ी जो लोग धनगढ़ी जाने वाले होंगे ना, तो उनको दुधवा होते हुए निकलना नहीं पड़ेगा, वो ये वाले हाईवे से सीधे पहुँच जाएंगे आपके टीकापुर है, टीकापुर जो होगा ना, हाँ टीकापुर होते हुए धनगढ़ी निकल जाएंगे, तो उसमें क्या है कि कुछ परमिशन नहीं मिली थी वन विभाग द्वारा दुधवा के लिए, तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ गुरुद्वारे में, ये है सामने गुरुद्वारा, इसकी देखते हैं पार्किंग वगैरह, फिर देखते हैं चिल्लर पार्टी खुश गुरुद्वारा पक्का ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे हैं मछलियाँ इस तालाब के पीछे, मेरे पीछे है पूरा गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा काफ़ी खूबसूरत है, उदय हो रहा है, देखिए सूर्यास्त जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे जो रंग बिरंगी मछलियाँ ना वो काफ़ी प्यारी हैं। ये देखिए ना ना मन मछूमत डालना ठीक है, उसमें पानी ख़राब आता है, हल वाला कुछ मत डालना, वो शुद्ध पानी होता है ना, इसमें लोग नहाते हैं फिर जाते हैं अंदर गुरुद्वारे में। तो चिल्ला पार्टी बोलो कैसा लगा तुम्हें अभी तक गुरुद्वारा? बहुत अच्छा। चिल्ला पार्टी को देख रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने कला चिल्ला पार्टी मछलियाँ देखने में लगी हुई। हेलो।